में एक पेट्रोल पंप पर लूट के इरादे से पहुंचे बदमाशों को खाली हाथ लौटना पड़ा। एक कार में सवार होकर 5 बदमाश पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे थे, इसलिए गाड़ी पेट्रोल पंप पर पहुंचते ही एक एक करके 5 बदमाश गाड़ी से उतरे। एक बदमाश पिस्तौल तानकर दफ्तर की तरफ बढ़ा और उसने सीधा गोली चला दी। सीसीटीवी की तस्वीरों में बदमाश एक के बाद एक 3 गोलियां चलाता दिखा और फिर अचानक दीवार के पीछे दुबक गया। दूसरे बदमाश ने भी आगे आकर गोली चलानी चाही, लेकिन तभी दफ्तर के अंदर से गोली चल गई। बाहर खड़े बदमाश इस जवाबी हमले से सहम गए। देखते ही देखते सारे बदमाश उल्टे पांव लौटने को मजबूर हो गए। 5 बदमाश तेजी से गाड़ी की तरफ दौड़े और गाड़ी का दरवाजा बंद किए बिना ही गाड़ी भगा ली, क्योंकि दफ्तर के अंदर मौजूद गार्ड बदमाशों को देखते ही मुस्तैद हो गया। गार्ड की मुस्तैदी से लुटेरे तो भाग गए, लेकिन पुलिस बदमाशों को अभी तक नहीं ढूंढ पाई। जबकि सीसीटीवी की तस्वीरों के जरिए गाड़ी की पहचान भी हो चुकी है। दोनों तरफ से चली गोलियों की वजह से दफ्तर के बाहर लगे शीशे का दरवाजा पूरी तरह टूट गया। कांच के टुकड़े दफ्तर में बिखरे पड़े हैं। दफ्तर के अंदर भी गोलियों के निशान मौजूद है। पेट्रोल पंप का स्टाफ पुलिस को सीसीटीवी की तस्वीरें दे चुका है, लेकिन अब तक बदमाशों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस अब तक दावे से ये तक नहीं बता पाई है कि बदमाशों का मकसद लूटपाट ही था या बदमाश किसी और कारण से पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे। यूपी के जौनपुर में सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठी नर्सों की कुर्सियों से पिटाई की। सीएमओ ऑफिस के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर ये लोग वहां 3 दिन से धरने पर बैठी थी, और तभी प्रदर्शन कर रही नर्सों पर अचानक प्लास्टिक की कुर्सियों से हमला बोल दिया गया। हमले का आरोप सीएमओ ऑफिस के कर्मचारियों पर लगा। अचानक हुए इस हमले से नर्सों में हड़कंप मच गया और वो लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। हालांकि कुछ नर्सें हमले का विरोध करती हुई भी सुनाई दी, जिसकी वजह से कुछ मिनटों में ही सीएमओ ऑफिस का मैदान अखाड़े में तब्दील हो गया। नर्सों का दावा है कि इस हमले में कई लोग घायल हो गए, जबकि कुछ नर्सों से लूटपाट भी की गई। मारने वाले कितनी संख्या में थे? आप लोग कितने लोग घायल हुए? धरना देने वाले कम से कम 20-25 लोग को चोट लगी है। बताया जा रहा है कि धरने में शामिल होने के लिए पूरे जिले की नर्सें आई थी। नर्सों पर हमले की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी वहां पहुंची। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने लगा एक बड़ा पोस्टर सियासी गलियारों में चर्चा का मुद्दा बना। इस पोस्टर के जरिए अवैध खनन मामले में सीबीआई जांच का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा गया। साथ ही समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन की ताकत दिखाने की कोशिश की गई। इसके अलावा पोस्टर में केंद्र सरकार को चुनौती भी दी गई। अवैध खनन मामले में अखिलेश यादव का नाम आने के बाद समाजवादी पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। जितने गलत तरीके से हमारे नेता को फंसाया जाएगा, उतने ही अच्छे ढंग से हमारे नेता निखर के आएंगे। हमारे नेता को अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई, पूरे प्रदेश में कोहराम मच जाएगा। सीबीआई कार्रवाई के खिलाफ बीएसपी और समाजवादी पार्टी राज्य भर में मुहिम चलाने की तैयारी में है। वहीं आगरा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन पर हमला बोला और दोनों पार्टियों पर राजनीतिक फायदे के लिए हाथ मिलाने का आरोप लगाया। एक दूसरे के घोटाले और घपलों को छुपाने के लिए वो हाथ मिला रहे हैं, जो कभी एक दूसरे से आंख मिलाने के लिए भी तैयार नहीं। राजनीतिक स्वार्थ के लिए लखनऊ के गेस्ट हाउस का वो शर्मनाक कांड, उसे भी भुला दिया गया।